हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट है, उसमें से अभी हम कर रहे हैं 5th का 4th पार्ट। ओके, यहाँ है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो इसे हम सोल्व करेंगे और हमारा आंसर, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, चलिए करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम ले लेंगे 5th का 4th पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन में सीकेंट ए। अब आपको पता है कि सीकेंट ए किसके बराबर होता है, 1 बाय कोस ए के, 1 बाय 1 प्लस 1 बाय कोस ए, और ये भी 1 बाय कोस ए, बिकॉज सीकेंट ए बराबर होता है 1 बाय कोस ए के। ठीक है, रीजन लिख दिया। आगे डेनोमिनेटर को बराबर करने के लिए एलसीएम 1 और कोस ए का कोस ए होगा, तो इधर हम ऊपर नीचे कोस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर मिला हमें कोस ए प्लस 1 और कोस ए नीचे आ गया, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस ए बाय में 1, इसे ये कट गया क्योंकि जो डिवाइड में होता है ऊपर जाके उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, अगर फ्रैक्शन है इस तरीके से, न्यूमरेटर भी है डेनोमिनेटर भी है, तो हमें मिला 1 प्लस कोस ए। अब हमें राइट हैंड साइड सोल्व करनी है, राइट हैंड साइड में हमें गिवन है साइन स्क्वायर ए बाय में 1 माइनस कोस ए, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, रीजन बिकॉज साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस कोस ए, ये कट गया पूरा, हमें मिला क्या, मिला 1 प्लस कोस ए, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आई थी। राइट हैंड साइड को सोल्व किया, हमारी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की जैसी आ गई, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, अतः सिद्ध हो गया। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th का 4th पार्ट, समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, बाय।